अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रही है फ़िश फ्राई। क्रिस्पी फ़िश बना रही हूँ आज मैं, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न से। इससे पहले ही मैंने आपको रेसिपीज़ बताई हैं फ़िश की, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इसके लिए मैंने जो है एक फ़िश लेकर उसको मैंने बोनलेस करवा लिया है। ये बोनलेस फ़िश फिले हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। आपने इस तरह से फ़िश को लेकर बोनलेस करवा लेना है। फिले को जो स्टेक वाले होते हैं ना, फिले इस तरह से आप लेंगे 1 kg। उसके अंदर मैं लूँगी, जिससे मैं मैरिनेट करूँगी फ़िश को, वो है 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon वाइट पेपर एंड 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, और 2 lemons, स्मॉल साइज़ के लेमन हैं ये। अगर बड़े हों आपके पास तो आप सिर्फ 1 lemon। इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर देंगे पहले। अच्छा, सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बाकी मैं इसमें वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेमन, जो मैंने आपको बताया था 2 small lemons, उसके बीच निकाल लीजिएगा आप। उसके बाद आप इसके अंदर लेमन ऐड कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी मैं फ़िश लेती हूँ तो पहले मैं उसको अच्छे से, उसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, उसके अंदर सॉल्ट और जो है गार्लिक पेस्ट, ये दो चीज़ें, या फिर जो है विनेगर साथ में, इनमें से कुछ भी लगा के आधे घंटे के लिए मैं छोड़ती हूँ, ताकि अच्छे से फ़िश की जितनी भी स्मेल होती है वो सब निकल जाए। तो आप सब लोगों ने भी लाजमी ये चीज़ पहले अप्लाई करनी है, और उसके बाद आपने अच्छे से फ़िश को वॉश करने के बाद उसका सारा पानी निकाल कर फिर ये मैरिनेशन करनी है। जब भी कोई फ़िश बनाया करें तो लाजमी ये चीज़ें आप लोग अप्लाई किया करें, ताकि फ़िश की जितनी भी स्मेल हो वो सारी निकल जाए। मैंने इसमें सारे जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, ये देख ले, मैंने अच्छे से सब मसाला इस पर लगा के अच्छे से इसको, फ़िश को मैरिनेट कर दिया है। आपने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करनी है मिनिमम, वरना आप चाहें तो इसको कितनी देर के लिए भी, जितना भी टाइम हो आप उसको जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतनी ज़्यादा मज़े की ये फ़िश बनेगी। बाकी फर्दर रेसिपी जो आगे हमें करना है वो मैं आपको बताऊंगी अपने आगे करना क्या है। अच्छा, ये फ़िश हम लोगों ने मैरिनेट करके रखी थी, ये वो फ़िश है। उसके अलावा मैंने जो है 1 plate में लिया है कॉर्नफ्लोर, सिंपल कॉर्नफ्लोर लेना है आपने। उसके अलावा आप लेंगे अंडे और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर डाल के इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। उसके अलावा एक साइड आप लेंगे ब्रेड क्रम्स। ये सब चीज़ें मैं इसकी फ़िश की कोटिंग के लिए कर रही हूँ। अब बताती हूँ आपको सबसे पहले क्या करना होगा। अच्छा, इसको मैंने जो है ना अंडे को अच्छे से जो है ना बीट कर लिया है, और जो है इसकी, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा सिर्फ खुशबू के लिए ऑरिगैनो लीव्स आते हैं ना वो डालूंगी। ये थोड़े से ऑरिगैनो लीव्स आप डाल देंगे इसके अंदर, इससे जो अंडे की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है बस। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने ऑयल डाल के इसे गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए, ताकि हम फ़िश फ्राई कर लें इसमें। अच्छा, सबसे पहले मैं एक फ़िश का पीस लूँगी, कोई भी फ़िश ले लें आप। अच्छा, ये एक फ़िश का पीस है मैंने ले लिया है। सबसे पहले मैं इसको हल्का सा इस पर लगाऊंगी कॉर्नफ्लावर, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा इसको, एक्स्ट्रा जितना भी है सब इसे आप झाड़ देंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा इसको नहीं लगाना, हल्का हल्का बस, कोई एक्स्ट्रा ना हो इस पर, इसके ऊपर। अब उसके बाद जो है हम इसको करेंगे अंडे में डिप, अंडे में हम डिप करेंगे इसको। इन दी एंड हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे। बस ये मैं इसको हल्का हल्का सा कोट कर लूँगी, और अब हम इसको जो है डीप फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मेरा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं उसके अंदर इसको डीप फ्राई करूँगी, तब तक मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ। अच्छा, इसी तरह से सारे पीसेस हम कोट करके रखते जाएंगे और उनको डीप फ्राई करते जाएंगे। ऑयल हो गया है अच्छे से गर्म, अब मैं इसके अंदर, मैंने 3 पीस रखे थे अभी कोट करके, मैं 3 पीसेस को इसमें डालूंगी। बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे नहीं करना आपने, और ना ही बहुत हल्का हो, मीडियम फ्लेम पे करना है, क्योंकि आपने मैरिनेशन की हुई बहुत अच्छी हुई है इसकी, तो इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी, दोनों साइड से अच्छे से आपने फ्राई करना है। अच्छा, ये देखें इस पर कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बस अब मैं इसको रिमूव करूंगी। इसमें मैंने और पीस डाल दिया था, 1 more piece, ताकि वो भी साथ में होता हुआ आ जाए। कलर आप चेक कर सकते हैं, जो पीसेस मेरे रेडी हो गए हैं वो मैं रिमूव कर रही हूँ। इसी तरह से आप सारे पीसेस को फ्राई करते जाएंगे, और जो होते जाएंगे उनको आप रिमूव करते जाएंगे।
ऑयल अच्छे से इनका निकाल लीजिएगा। अच्छा, ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं फिश का, जो मैंने अभी फ्राई करी थी आपके सामने ही। देखने कितनी प्यारा सा कलर आया है, गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन कलर है इसका, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।